तो हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का एक और इम्पोर्टेंट सम करेंगे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, जो हमेशा 4 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, और ये टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 12 मार्क्स के होते हैं केस स्टडी के। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखो करते हैं। तो प्रज्ञा नोटिस्ड ए टावर बिल्ट नियर हर कॉलोनी प्ले ग्राउंड, शी सी दैट इट इज़ बींग हेल्ड बाय ए बायर attached to the top of the tower, the buyer makes an angle of 60 degree with the ground. Using this information, find the answer to the following questions. देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो प्रज्ञा है वो अपनी कॉलोनी में, अपनी कॉलोनी के नियर अबाउट वो देखती है प्ले ग्राउंड में कि एक टावर बन रहा है। तो मान लो जो टावर है इस तरह से बन रहा है, ठीक है। इस टावर को हम देखते हैं कैसे बनाना है हमें। तो ये जो टावर बन रहा है वो इस तरह से टावर बन रहा है देखो, और इसको ना देखो सी सी दैट इट इज़ बीइंग हेल्ड बाय ए बायर, बायर के थ्रू इसको हेल्ड किया गया है। तो इस तरह से बन गया ट्रायंगल, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ये वाली जो देखो इसको नियम देते हैं ए बी और सी, तो ये वाली लाइन जो है क्या है, बायर है, ठीक है, और ये टावर है। तो ए बी टावर है और ए सी जो है बायर है, और वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। बायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, तो ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इस तरह से हमारी ट्रायंगल तैयार हो गई। अभी इस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। तो मेजर ऑफ एंगल सी ए बी क्या है, तो अब उसको हमने देखना है। तो सी ए बी क्या है, क्या है यहाँ पे, तो उसको इसके लिए हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। देखो ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल ये हमने फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। एंगल ए प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी, 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमने करना है। तो अब देखो कैसे करना है इसमें। तो एंगल जो ए था हमारे पास, वो तो हमारे पास था 60 डिग्री। एक मिनट, पुरानी स्लाइड पे चलते हैं। हाँ देखो एंगल ए हमने फाइंड करना है, एंगल सी जो है वो 60 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, इनको ऐड किया तो 150 बन गया। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है इसको। यहाँ पे एंगल ए हमने फाइंड करना है, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 150 को ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ गया है, एंगल 30 डिग्री। यानी कि जो एंगल हमारे पास था वो कितना आ गया, ये वाला 30 डिग्री आ गया ये एंगल, ठीक है। तो ये इस तरह से पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइन रेशो ऑफ एंगल सी ए बी। अब साइन रेशो हमने फाइंड करनी है, साइन एंगल ऑफ सी ए बी, सी ए बी का मतलब ए फाइंड करना है हमें। तो साइन ए की रेशो हमने फाइंड करनी है। तो साइन हमने एंगल ए कितना फाइंड किया, इसका मतलब हमने क्या फाइंड करना है, साइन 30 डिग्री फाइंड करना है। तो साइन 30 डिग्री, अब वहाँ देखो डायग्राम पे चलते हैं। देखो तो साइन 30 डिग्री अगर हमने फाइंड करना है, तो जो ये वाली लाइन है हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन ए बी क्या हो जाएगी, ये हमारी बेस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और साइन जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमने यूज़ करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अब हमारे पास कितना दिया हुआ है वो हमें अब देखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास। तो देखो ये वाली साइड हमें ना तो दी हुई है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, बी सी अपॉन ए सी, क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन ए सी, इस तरह से लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 1/2। इसका मतलब जो बी सी अपॉन ए सी आया वो कितना आ गया, 1/2 आ गया, जो किसकी रेशो आ गई। तो ये हमारा सेकंड सम भी हो गया। तो अब हम इसके थर्ड सम को देखते हैं। तो पूछा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस ए सी बी, कॉस ए सी बी पूछा है। ये कॉस ए सी बी का मतलब जो एंगल सी है, तो कॉस सी हमने फाइंड करना है। तो कॉस सी हम देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं अब। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन करेंगे, कॉस सी इज इक्वल टू, कॉस सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 30
30 डिग्री है, कितनी है 30 डिग्री, 30 डिग्री नहीं सॉरी कितने 60 डिग्री है, 60 डिग्री सॉरी 60 डिग्री है ये इसका, तो cos 60 डिग्री हमने फाइंड करना है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/2, तो cos 60 आ गया 1/2। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे देखो एंगल ए है, साइन cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, जैसे कि हमें आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होती है 1 के, तो इसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, बस इसको कुछ नहीं करना हमने, इसमें कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 90, अब वैल्यू ऑफ tan 90 पूछा हुआ है, तो tan 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, tan 90 अगर हमने फाइंड करना है तो हमें पता है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan 90 किसके इक्वल हो जाएगा, tan 90 हो जाएगा sin थीटा अपॉन sin 90 अपॉन cos 90 के इक्वल हो जाएगा। देखो sin 90 तो होता है 1, बट cos 90 क्या होता है 0, और 1 अपॉन 0 जो होता है ये होता है नॉट डिफाइन, क्या होता है ये नॉट डिफाइन, तो tan 90 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास नॉट डिफाइन। तो बहुत ही देखो इजी क्वेश्चन था, और जो केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी तरह से समझ आया हो क्वेश्चन, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस तरह के और क्वेश्चन हम क्वेश्चन की वीडियो हम डालते रहेंगे अपने चैनल पे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।